तो एक और सुहाना दिन, और आज हम लोग बढ़ रहे हैं तोरीबारी की तरफ। तोरीबारी, गुलमा, वेदगरा, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी अभी तो हम लोग बस घर से निकले, अभी दोपहर का 2:20 हो रहा है। तो अभी एक गड़बड़ हो गया था एक्चुअली, मतलब हम लोग कैमरा लेके तो निकले पर मैंने मेरे फ़ोन से मेमोरी कार्ड कैमरा में ढाला ही नहीं था। तो सामने हम लोग को एक ग्रॉसरी का शॉप मिला था, तो वहाँ पे एक हम लोगों ने माजा लिया और दीदी से एक पिन मांग लिया था, तो वो पिन के मदद से हम लोगों ने अभी वो मेमोरी कार्ड लगाया। तो चलिए भरते हैं तोरीबारी की तरफ और देखते हैं आज हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। नहीं टूटे चप्पल पहन जाना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ से राइट लेते हो तो ये मोनास्ट्री की तरफ जाता है, और लेफ्ट जाएगा तोरीबारी की तरफ। यहाँ से सर बाद में जाएगा ना उधर। तो आज संडे का दिन है तो भीड़ तो एक्सपेक्टेड ही था, भीड़ तो इधर होना ही था। सब लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो ये सिलीगुड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 12 के 12 महीने ही पिकनिक मनाई जाती है। यहाँ पे पिकनिक मनाने का कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता है। बचपन में हम लोग स्विमिंग पूल्स कम यहीं पे स्विमिंग करने के लिए आया करते थे। अभी तो बहुत साल हो गया है हम लोग यहाँ पे स्विमिंग के लिए नहीं आए, क्योंकि इतना साफ पानी हम लोग को शायद ही सिलीगुड़ी में कहीं मिलेगा। ये पानी डायरेक्टली हिल से आती है, तो गर्मी का टाइम में इस ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आप लोग को यहाँ से उधर का वो बिल्डिंग दिख रहा होगा तो वो मोनास्ट्री है, वो हम लोग का इस रीजन का सबसे बड़ा मोनास्ट्री है। अभी तो शायद कोविड के वजह से विजिटर्स लोग का आना अलाउड नहीं है, ऐसे ही वहाँ पे विजिटर्स लोग के लिए गेट खोल देंगे। मैं वहाँ पे भी एक ब्लॉग बना लूँगा वहाँ पे डेफिनेटली परमिशन लेने के बाद। तो एक बार मैं अभी जाने का टाइम देख लूँगा कि वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं या नहीं। तो अभी तो मैं इस पत्थर का छोटा सा ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे किसी ने बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा पत्थरों का आईफिल टावर बना के रखा हुआ है। उधर भी कोई पिकनिक मना रहा है, इधर सारे कार्स और जो बाइक्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर भी फैमिली ग्रुप्स है जो लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। तो ये लोग अभी बस नदी को पार करके उधर गए थे, अभी ये लोग फिर वापस आ रहे हैं। इन लोगों को डर लग रहा है कि शायद ये लोग का जो बाइक और स्कूटी है क्रॉस नहीं करेगा, पर एनफील्ड तो आराम से क्रॉस कर लिया। तो ये लोग तो डर रहे हैं अपने अपने बाइक्स को और स्कूटी को यहाँ से क्रॉस करने के लिए। पर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी किया हुआ हूँ, तो वैसे कुछ डरने की बात है नहीं, क्योंकि पानी उतना ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस साइलेंसर के अंदर थोड़ा पानी जा सकता है, पर वो तो निकल ही जाएगा। रोहन कैमरा पकड़, मैं क्रॉस करता हूँ। Thank you.
भाई का चप्पल काम आया यार, हम लोग को भी चप्पल ही पहन के आना चाहिए था। थैंक यू। देख के ये लोग को भी थोड़ा हिम्मत आ रहा है। ये एनफील्ड वाला ने तो ऑलरेडी कर लिया था, इसका हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, तो मुझे अभी इसका और इसका देखना है। भाई चलो तो ये रेड एनएस वाले को, भाई तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा सा हिम्मत आया तो ये अभी ट्राई करने वाला है, हो जाएगा आराम से, वैसे कुछ टेंशन की कोई बात नहीं है। भाई एक गियर बेर कर, चलो इसने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पार कर लिया। अब बारी एंटोक वाले की, जाओगे भाई? नहीं जाओगे? ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो मैं ईवाम इंडिया के बाहर में हूँ, पर अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड के वजह से ये मोनास्ट्री अभी तक खुला नहीं है, जो कि एकदम सही है, सेफ्टी फर्स्ट। अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल हुआ नहीं है, तो इन्होंने अभी तक विजिटर्स को परमिशन नहीं दिया हुआ है। नहीं। तो भाई ये गाय पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ के जो वॉचमैन थे उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर इन्होंने यहाँ का ईवाम इंडिया का जो ऑफिस का वो एड्रेस दिया, तो देखता हूँ मैं उनके ऑफिस में जाके एक बार बात करता हूँ, और अगर वो लोग मुझे परमिशन दे देते हैं तो मैं एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा इन द अपकमिंग डेज। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मैं इसी तरह आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।